हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज सिंपल और क्यूट सी सेंटा कीचेन बनाते हैं। इसके लिए मैंने यह मोल्डेड क्ले लिया है। इसमें दो पार्ट होते हैं, हार्डनर एंड रेजिन। इन दोनों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एक रोलर से इस तरीके से हम रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद इसे हम सेंटा वाली शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ ओवल शेप दिया है। देखिए इस तरीके से हल्का हल्का करके हम शेप दे देंगे और एक पिन लेकर इसके ऊपर इस तरीके से अटैच कर देंगे, जिससे कि बाद में हम इसमें की रिंग लगा सके। और अब इसे चलिए हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए तो इसके ऊपर पहले हम वाइट कलर लगा देंगे और वाइट कलर लगाने के बाद इसे फिर से अच्छी तरीके से सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये कलर बिल्कुल सूख चुकी है और अब इसके ऊपर हम रेड कलर लगाएंगे, जिससे कि हम सेंटा की टोपी बनाएंगे। देखिए ये रेड कलर मैंने लिया है और इसके ऊपर वाले पार्ट में मैं लगा दूंगी। और अब हम लाइट पीच कलर ले लेंगे और लाइट पीच कलर लेके इसके फेस को बना लेंगे। फेस बनाने के लिए मैंने एकदम सीधी लाइन इस तरीके से कर दी है और नीचे वाले पार्ट को मैं वाइट ही छोड़ दूंगी, जिससे कि सेंटा की बियर्ड दिखे वाइट कलर की। और जब ये कलर हो जाए तो इसे हम अच्छी तरीके से सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये कलर सूख जाए तो अब हम इसके फेस की भी डिटेलिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने आईज भी बना ली है और पूरे फेस की डिटेलिंग कर लेंगे। और जब ये कलर सूख जाए तो इसके ऊपर मैं वार्निश का एक कोट कर दूंगी। वार्निश लगाने से हमारी कोई भी प्रोजेक्ट ख़राब नहीं होती है और इसे पानी में डालने में भी इसके कलर कभी ख़राब नहीं होंगे। और अब इसे हम अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और चलिए अब इसके ऊपर हम की रिंग लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इस की रिंग को इसमें अटैच कर दिया है और अटैच करने के बाद चलिए हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।